On your mark. Get set. Jump. हेलो स्विमर्स, तो आज हम लोग स्विमिंग सीखेंगे 5 स्टेप में। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है बबलिंग का, मतलब ब्रीदिंग। हम लोग पानी में ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, है ना? आपको मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। ओके, तो ये एक बार मैं करके दिखाता हूँ। मुंह से ऐसे सांस लेना है और नाक से रिलीज़ करना है। जब आप नाक से रिलीज़ करते हो तो माउथ आपका क्लोज रहेगा, है? ब्रीदआउट करोगे तो बबल्स निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि हम बबल्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होगा आपके साथ कि मुंह में पानी जा सकता है, आपके नाक में जा सकता है। तो उस केस में पैनिक नहीं होना है, मतलब रिलैक्स रहना है। सबसे पहला चीज़ स्विमिंग में होता है, जितना आप रिलैक्स रहोगे मेंटली उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल नाउ स्टेप 2 फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग कैसे करना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने बॉडी को जितना रिलैक्स रख सकते हैं, है ना। पहले तो बॉडी का कोई भी पार्ट टाइट नहीं करना है, बस वैसे ही सांस लेना है, ब्रेथ को होल्ड करके रखना है और आपका हेड डाउन रहेगा ये पूरा ऐसे। वो भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये सांस लिया, नाउ स्टेप 3 क्या है, किकिंग। मतलब फ्लोटिंग के साथ आपको किकिंग करना है, है ना। तो किकिंग में क्या है, आपका पैर से चलेगा लेकिन आपका नी बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं अभी किकिंग कैसा चलेगा वो हम आपको करके बताएंगे। ये आपका दोनों लेग स्ट्रेट रहना चाहिए और नी बेंड नहीं होगा, ओके। और एंकल रिलैक्स, एंकल भी आगे की तरफ आपका स्ट्रेच रहेगा, है ना। तो दोनों हाथ यहाँ पकड़ना है, फिर ये इस तरह से किकिंग चलेगा, फ्लोटिंग करते हुए आपका किकिंग चले, है ना। तो आप देख सकते हैं, अब मैं पानी में करके दिखाऊंगा, है ना। दोनों हाथ आपका कान में ऐसे चिपका हुआ होगा और हेड डाउन रहेगा, फिर आपका किकिंग चलेगा। ये हो गया किकिंग, बहुत इजी था, ओके। फिर अब स्टेप 4 में हम लोग आर्म एक्शन, है ना। तो आर्म एक्शन कैसे चलता है, ये आर्म एक्शन कैसे चलाना है। ये आर्म एक्शन के लिए आपको 3 चीज़ याद रखना है, कैच, पुल और पुश। तो ये आपका ये जो जाएगा आर्म, ये हो गया कैच, और पुल के लिए ये पुल हो गया और पुश, फिर एल्बो हाई, फिर कैच, पुल, पुश, एल्बो हाई। तो ये अल्टरनेट चलेगा आपका ऐसे। पानी में एंट्री कैसे होगा, आपका आपका हैंड पोजीशन कैसा होगा, फिंगर का ये ज़्यादा खुला भी नहीं, इतना इस तरह का होना चाहिए, ठीक है शेप। तो ये आप देख सकते हैं, कैच, पुल, पुश, और आपका हमेशा हेड डाउन रहेगा बिल्कुल, ये चेन आपका यहाँ सटा होना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो अब चारों स्टेप को, मतलब 5वां जो स्टेप है हमारा, वो कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा, दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। पहले वार्म अप करना है, चलो वहाँ पे वार्म अप करो, ओके। ये सांस लिए, हेड डाउन, सर एक बार यहाँ से ध्यान से, फिर से अब सारे को कंबाइन, सारे स्टेप को कंबाइन करके फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका 5 स्टेप, ये आप अगर फॉलो करते हो तो आप स्विमिंग इजीली सीख सकते हो, ओके। स्विमर्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अपडेटेड रहना है स्विमिंग में. ओके थैंक यू सो मच.